गुड मॉर्निंग क्लास, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग क्लास, जय हिंद सभी। क्या आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है? और आप सभी लोग उसके आंसर दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री के जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं ना, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, आधुनिक भारत। तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, ये दोनों की अपेक्षा ये देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस हर एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है ना, कौन कौन से यहाँ पर इसमें इंसिडेंट हुए, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हर एग्जाम में ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज हम उसे कुछ उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करें। चलिए, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वॉइस प्रॉपर है ना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए, अभी जिस जिसको भी इसकी नेटवर्क की शिकायतें हैं ना, ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि अभी ये जो नया साल, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आने वाला है ना, तो इसके 2-3 दिन तक नेटवर्क इश्यू रहता है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं ना, तो थोड़ा तो सा इसमें हैंग हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम करता है। ओके, तो इसका आंसर, हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, क्या होगा इसका आंसर? स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या जाएगा? स्वामी विवेकानंद। से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसकी जिसका जो घोषणा है वो हो गई थी 8 अगस्त को, है ना, और 9 अगस्त को ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो प्रसिद्ध नारा था, डू और डाई, है ना, करो या मरो, तो ये नारा किसने दिया था? हाँ, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सही है आप सभी के, दिनेश जी, बहराज जी, ठीक है, हाँ, 1942 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ना, हमारे भारत में आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना, तो वो कब आए थे क्या आप लोग बता सकते हैं, उसका उसके डेट और एग्जैक्ट ईयर? तो जब आए थे हमारे भारत में, ये यूरोपियन कंपनी थी ना, अंग्रेज आए थे, फ्रांसिस आए थे, डच आए थे ना, और ये लोग जब हमारे भारत में आए थे, मतलब ईस्ट में आए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि ये ईस्ट में आई थी। ठीक है, कहाँ से आई थी? पश्चिम से आई थी, है ना, और पूर्व में व्यापार करने के लिए आई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। जैसे, और सबसे पावरफुल कौन सी रही, है ना, ये पावरफुल रही थी अंग्रेज ना, ये कब आए थे हमारे भारत में क्या आप लोग बता सकते हैं? ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1599 में बन चुकी थी ना, इन्हें चार्टर के माध्यम से ये इन्होंने इन्हें स्वीकृति मिल गई थी पूर्व में व्यापार करने के लिए, ईस्ट में व्यापार करने के लिए ना, ईस्ट में बहुत सारे देश आते हैं जिसमें हमारा भारत भी था, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी 1600 में, क्लियर है, 1600 ईस्वी में आई थी।
ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने बंगाल में सबसे पहले इन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह से पूरे भारत में विभाग को इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ना, रूल करने की। इन्होंने प्लासी का युद्ध है ना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, क्या आप लोग बता सकते हैं? ये दोनों ही लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही यहाँ से होती है, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? अंग्रेजों की वजह से। और अंग्रेजों ने हमारे भारत में रूल करना स्टार्ट कब से किया था, क्यों किया था? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दो मेन युद्ध हैं ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट वार हैं, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने यहाँ पर धाक जमाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने समझ गए थे भारत की, भारत के लोगों को, उनके व्यवहार को, कि यहाँ पर कैसे इन्हें जीता जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी राजाएं हैं उनमें आपसी फूट रहती थी ना, एकता नहीं थी ना, उसका ही इन्होंने फायदा उठाया, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल सही, 1757 है, 1957 नहीं है, ठीक है, 1764, ठीक है। तो बंगाल में ये हुआ था, उसके बंगाल से ही फिर पूरे भारत में इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। फिर 1858 में, 1858 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले 1773 याद रखिएगा, एक सन है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी लोग जानते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही अपने मनमाने तरीके से काम करती थी, ठीक है। फिर 1773 में क्या हुआ, इन्हें रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। फिर एक 1857 के जस्ट एक साल बाद क्या हुआ था, 1857 की जैसी एक और बड़ी लड़ाई ना हो पाए, इस वजह से 1858 में एक एक्ट आया था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई और किसे सौंप दी गई, ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन की संसद को। इसलिए हमारे भारत में प्रत्यक्ष रूप से रूल करने का अधिकार किसे हो गया, ब्रिटेन को हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ी स्टार्टिंग की कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये समझ में आ गया। तो याद कीजिएगा ये 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो 1857 इसमें लड़ाई हुई थी, इसमें कौन था गवर्नर जनरल, क्या आप लोग बता सकते हैं? गवर्नर जनरल आप लोगों से गवर्नर जनरल के टाइम नहीं पूछेगा कि वो कौन कब रहा है, ठीक है, या उसका सीक्वेंस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी घटना के समय कौन सा गवर्नर था ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे 1857 ये पहला एक देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, स्वतंत्रता संग्राम था पहला, ठीक है। तो उसमें कौन था, हाँ बिल्कुल सही मोहन जी, कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये उस टाइम पे था और इसने ही 1858 का चार्टर पढ़ा था, ठीक है, और इसमें ही बोला गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो अब गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वायसराय कहलाएगा, क्लियर है। तो हमारे भारत के पहले वायसराय कौन है, ये कहलाएंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हाँ सभी के आंसर सही है, बिल्कुल सेम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली फैक्ट्री, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था, सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, बताइए कब, तारीख आप लोगों को पता होगी, बताइए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, और इस यही ये जो इंसिडेंट आप लोगों को पता होगा, इस दिन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। जब मैंने आप लोगों को संविधान पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया भी था कई बार कि हमारा जब संविधान बन गया था 26 नवंबर को 1949 को, तो ये आखिरकार बाद में क्यों लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, इसका क्या रीजन था? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारे भारत में हिस्ट्री में हम जाएंगे तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और ये डिसाइड किया गया था 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर किसी के नहीं आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही मोहन जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हाँ ठीक है सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, 1930, क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही दिनेश जी, शिव जी, हाँ सभी के आंसर सही है जिन्होंने भी ए दिया है, ठीक है, डी नहीं होगा इसका आंसर, डी में तो कैबिनेट मिशन आया था, याद कीजिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, मैंने आप लोग को बताया भी था ना कैबिनेट मिशन, और इसके माध्यम से ही कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही हमारे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और जुलाई अगस्त में 1946 जुलाई अगस्त में क्या हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए थे, क्लियर है,
तो याद रखिएगा 3 सदस्यीय ये मिशन आया था, ठीक है। 1929 ये क्या है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था 31 दिसंबर, ठीक है। और 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्लियर है। कैबिनेट मिशन के जस्ट पहले क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। और क्रिप्स मिशन की सिफारिश को किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने ही इनकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी या फिर स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए चारों ही गवर्नर से इंपॉर्टेंट कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ बात। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने, किस क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसके साथ मिलके, राजा राम मोहन राय, क्लियर है। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, कब किया था बताइए, 1829 को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब, 1905 में किया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने व्यपगत नीति लाया था, ठीक है, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डलहौजी ने। और लॉर्ड कार्नवालिस क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ, लॉर्ड ये ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और सिविल सर्विसेज के जनक भी यही कहे जाते हैं, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, बताइए क्या है इसका आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, या महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी राजगोपालाचारी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि मैं किसी भी ऑप्शन में टिक लगाना भूल जाऊं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, पहले सिविल सर्विसेस में थे, उसको छोड़ करके इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी 1939 में। महात्मा गांधी कब आए थे, 1950 में आए थे, 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। इनके गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण, है ना, हाँ गोपाल कृष्ण इनके कौन है, गुरु है, ठीक है। राजगोपालाचारी क्यों इंपॉर्टेंट है बता सकते हैं आप लोग, बताइए राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे ए हिकेश, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, जे ए हिकेश, ठीक है, हाँ। बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये महाराष्ट्र से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन्होंने जो पुराने हमारे रीति रिवाज है उनको फिर से, त्योहार जो हमारे पुराने उनको स्टार्ट किया था ना, उन्हें मनाया था, जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, किनने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। लाल बाल पाल ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, लाल, क्या फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, लाल बाल पाल, और एक घोष भी याद रख लीजिए इन लोग के साथ, ये उग्रवादी दल के नेता है, कौन है, उग्रवादी दल के नेता है, तो लाल से कौन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन हो गए, ठीक है, हाँ गरम दल के नेता थे,
और उग्रवादी नेता ने कहा जाता है, इनकी भूमिका बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1905 के बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में यदि आप देखेंगे तो। और अरविंद घोष, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये उग्रवादी दल के नेता है, हांगरम दल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग, पंजाब को मिलाया गया था, और ये कौन कौन से ऐसे, जब मिलाया जा रहा था पूरे राज्यों को, तो किसके टाइम पे मिलाने की, मतलब विलय की प्रक्रिया किसने लाया था ये। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बी आंसर दिया, बिल्कुल सही, विलय पत्र पे इन्होंने सिग्नेचर करवाया था, हाँ ठीक है, मतलब हड़प नीति है ना, हड़प नीति किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, तो इसका आंसर बताइए, लॉर्ड वेवेल, जनरल आइजनहावर या फिर जनरल रोमर या फिर मैक आर्थर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं होम रूल, ये जो आंदोलन है इसका मतलब क्या होता है, होम रूल मतलब संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही, है ना, मांग करना, स्थानीय सुशासन की मांग करना संवैधानिक दायरे में रहकर, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उस टाइम से ये क्यों स्टार्ट हुआ था, तिलक जो है वो पहले जेल में थे ना, तो जेल से वो जैसे ही छूटे 1916 में, ठीक है, 1916 में ये जेल से छूट गए थे, ठीक है, और बहुत सारे जो नेता हैं वो कहाँ चले गए थे, जेल में थे उस टाइम पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई थी, उसके बाद तिलक ने ये घोषणा कर दी थी कि हम उग्रवादी तरीके से यदि राष्ट्रीय आंदोलन को चलाएंगे तो अंग्रेज जो है इसे कुचलने का प्रयास करेंगे ना, इसलिए हम संवैधानिक दायरे में रह करके होम रूल आंदोलन चलाएंगे, मतलब मांग करेंगे सुशासन की, ठीक है। तो दो व्यक्ति का नाम आता है, एक तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है, तो ये दोनों ने ही होम रूल आंदोलन चलाया था, महाराष्ट्र से तिलक थे और साउथ से ये एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट की जो होम रूल आंदोलन है ये बहुत बड़े स्केल पर देखा जाए तो इन्होंने चलाया था ये, ठीक है। तो ये होम रूल आंदोलन, इन लोगों ने प्रेरणा कहाँ से लिया था, आयरलैंड से, कहाँ से, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम पैटर्न थोड़ा जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा जितना हो सके आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होम रूल आंदोलन ये कहाँ से लिया, आयरलैंड से, आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बताइए आप लोग, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड में से गवर्नर जनरल कौन है और भारत सचिव कौन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको ही महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मॉन्टफोर्ड, ठीक है, मॉन्टफोर्ड इस नाम से कहते थे महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था भारत शासन अधिनियम 1919 से, ठीक है, और महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है वो भी 1919 के अधिनियम से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है, हाँ ठीक है। मॉन्टेग्यू जो है वो कौन है, भारत सचिव थे, ठीक है, और चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, ए ओ हूं या फिर लोकमान्य तिलक या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 28 दिसंबर को क्या हुआ था, 1885 को, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो
तो बहुत सारे जो संगठन हैं अलग अलग ना, उन्हें एक मंच मिल गया अपने उद्गार को निकालने के लिए, है ना, और तीव्र आंदोलन करने के लिए, है ना, और अपने मतलब अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के लिए। तो ये कितने स्टार्ट किया था, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो थी एओ होम की थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसका इसे क्रिटिसाइज भी किया था कि एओ होम ने राष्ट्रीय आंदोलन से अंग्रेजों को बचाने के लिए क्या किया है, या ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप में चला जाएंगे, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसके जनक कौन कहे जाते हैं, एओ होम है। ठीक है, इसके पहले ये बात करें, इसका जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए आप लोग। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये जब मैंने आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तब तो मैंने आप लोग को बताया था डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऐसा यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्लास में इसके वीडियोस डले हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, आप वो देख सकते हैं। हाँ, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एनी वेजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कलकत्ता में, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, हाँ गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, बताइए, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने अपने पहले जब सत्याग्रह का यूज किया था तो वो कहाँ किया था, पहला सत्याग्रह, ठीक है, और उनके साथ वहां पर रंग भेद की नीति इन्होंने चलाया था। ठीक है, रंग भेद के खिलाफ ना, जब इन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था रंग भेद के चलते, तब से इन्होंने ये महसूस किया कि वहां पर रंग भेद बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था, हाँ साउथ अफ्रीका में। ठीक है, देखिए पहला सत्याग्रह यदि पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका में, और यदि भारत में पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो बिहार के, हाँ बिहार के चंपारण में। ठीक है, हाँ फर्स्ट क्लास के डिब्बे से। ठीक है, तो ये इनसे मिलने कौन गया था, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही, सभी ने सी आंसर दिया है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जब गांधी जी 1915 में ना, 9 जनवरी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तब इन्होंने क्या किया था, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे ना, तो राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक गुरु कहलाते हैं गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने ही पूरे सबसे पहले गांधी जी को अवगत कराया कि भारत की कंडीशन क्या है। तो गांधी जी सबसे पहले जब भारत आए थे तो उन्होंने ट्रेन से सब जगह पूरी यात्रा की, है ना, लोगों की कंडीशन को समझा, उसके बाद ही उन्होंने आगे की जो भी आंदोलन है उसको अंजाम दिया। ठीक है, तो सबसे पहला उनका जो सत्याग्रह है वो चंपारण में था। ठीक है, चंपारण आने के लिए उन्हें किन्ने इनवाइट किया था, बता सकते हैं आप लोग, बताइए चंपारण कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, ज्यादा डिटेल जाएंगे तो क्वेश्चंस में लेट होगा, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, हुकुम चंद, बलिराम भगत, रवि राय, या फिर जीवी मावलंकर, क्या होगा इसका आंसर। हाँ राजकुमार शुक्ल, ठीक है भारती जी, सही आपका आंसर, हाँ बिल्कुल सही, जीवी मावलंकर इसके, हाँ जीवी मावलंकर का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, गणेश नाम, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताइए, 1929, 1930, 1931, या फिर 1932, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह के माध्यम से ही सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ था, देखिए एक असहयोग आंदोलन है और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना कब, मतलब ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये नमक सत्याग्रह से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नमक पे इन्होंने अंग्रेज ने टैक्स लगा दिया था। ठीक है, टैक्स के माध्यम से ये मतलब ये इसमें टैक्स लगाया, लोगों की मांग ये थी
कि नमक एक आवश्यक वस्तु है ना, सभी के द्वारा यूज की जाने वाली एक आवश्यक वस्तु, और आपने इसमें टैक्स लगा दिया। इस वजह से ही इस कानून का विरोध किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसी के माध्यम से कहा गया था कि जितने भी कानून है, सविनय अवज्ञा का मतलब ही ये होता है कि आप जो भी ऐसे कानून बना रहे हैं जो हमारे विरुद्ध है ना, हमारे विरोध में, तो हम उसका उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो नमक बना करके गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक चली थी यात्रा, कोई बता सकता है? साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुई थी और दांडी तक पहुंची थी। ठीक है, दांडी मार्च भी से कहा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल को ये खत्म हुई थी। नेक्स्ट है, मार्च से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, बताइए? मेकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्ट अधिनियम, या फिर वुड डिस्पैच? हाँ, साबरमती से दांडी। ठीक है, 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वुड डिस्पैच, याद रखिएगा। ठीक है, वुड डिस्पैच इसका आंसर, और ये वुड डिस्पैच मतलब शिक्षा के लिए ही आया था। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था, बताइए? आई होप आप लोग इसका आंसर बता देंगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर है ना, ये सदस्य थे इनके। हाँ, ऑप्शन नंबर, अरे सभी लोग आंसर गलत दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, आप सही आंसर आए हैं आयुष जी, शिव जी। हाँ, आप सभी के आंसर सही है, दोनों के, विनोद जी हाँ आपका भी आंसर सही है। 1946 है, याद कीजिए, 42 में तो भारत छोड़ आंदोलन हुआ था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, 1906 में ना, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, आगा खां के नेतृत्व में ना, एक शिष्टमंडल ये गया था गवर्नर जनरल से मिलने के लिए, है ना, मुस्लिमों के लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाने के लिए, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करने की मांग लेकर किए गए थे, है ना। तो इसकी इनकी मांग को ना स्वीकार कर लिया गया। फिर 1909 में क्या हुआ था, एक पार्लियामेंट्री सुधार आया था जिसके माध्यम से अंग्रेज ये मुस्लिम लीग को मतलब मुस्लिमों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो 1906 में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी सलीमुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय था, बताइए कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड एल्गिन? क्या चाहिए इसका आंसर? भारत का पहला वायसराय, हाँ ढाका में, ठीक है, ढाका में इसका ढक्कन खोला गया था, इस टाइप से याद रख लीजिए आप लोग। पहला वायसराय बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग, सभी को पता है। चलिए बताइए, इसके साथ ही मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर बताइए आप लोग, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, ये आप लोग बताइए। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, ये भी आप लोग बताइए। भारत का पहला गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन है, आप लोग ये भी बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, अभी भी किसी के भी आंसर नहीं आया है, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव, भूल गए क्या आप लोग सभी लोग, मैं आप लोग बताया था ना, रॉबर्ट क्लाइव इसके कौन है, बंगाल के पहले गवर्नर है। पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। और वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही। हाँ, भारत के पहले बेंटिक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए, इसका आंसर दे दिया ना मैंने, कैनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट, या फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, या फिर श्रीमती नेली सेन गुप्ता, या फिर अरुणा आसफ अली, कौन है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट कहाँ आई, कब आई थी हमारे भारत में, 1893 में हमारे भारत में ये आई थी ना।
भारत के लोगों के प्रति बहुत इन्होंने सहानुभूति दिखाई थी, है ना, और अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, होम रूल आंदोलन चलाया था, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भी बनी थी भारत की, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला भारतीय, है ना, महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1925 में बनी थी। क्लियर है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था बताइए? ऑप्शन है आपके सामने, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे ना, या फिर उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल सही, सभी के आंसर एकदम करेक्ट है। देखिए क्या हुआ था, 1919 का एक्ट आया था, क्या आप सभी लोग अवगत हैं इससे? बिल्कुल सही, ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, भारत शासन अधिनियम आया था, और ये कहा गया था कि हर 10 वर्ष के बाद इसकी जांच करने के लिए एक कमीशन आएगा, ठीक है, और वो कमीशन कौन है? साइमन कमीशन, ठीक है। देखिए साइमन कमीशन हमारे समय, साइमन कमीशन में सारे के सारे कौन है? अंग्रेज है ना, और ये अधिनियम किसके लिए था? भारतीयों के लिए था, तो भारतीयों के अधिनियम के लिए आपने सारे ही सारे, मतलब भारतीयों के अधिनियम की जांच के लिए कोई भारतीय तो होना ही चाहिए था, लेकिन उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, तो ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे ना। अब ये साइमन कमीशन कब बना था? 1928 में बना था, है ना, और ये मई 1929 में, ये सॉरी 1927 में ये बना था, और 1928 में ये आ गया था, ठीक है। और इसी का विरोध करते हुए लाठी चार्ज हुआ था, जिसके माध्यम से एक प्रमुख नेता, है ना, उनकी डेथ हो गई थी घटना स्थल में ही। क्या आप लोग बता सकते हैं किसकी डेथ हो गई थी? उन्होंने एक कथन भी, एक स्टेटमेंट भी दिया था, क्या आप लोग बता सकते हैं? हालांकि ऑप्शन आगे तो आप लोगों को बन जाएगा, लेकिन बिना ऑप्शन के कौन बताएगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही। सॉन्डर्स, आपने नाम सुना होगा सॉन्डर्स, है ना, इनने ही क्या किया था, गोली चलाने, मतलब लाठी चार्ज का आदेश दिया था, तो फिर इसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। फिर सॉन्डर्स केस भी चला था, हाँ ठीक है, जो आप लोगों को पता होगा भगत सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी सॉन्डर्स की, ठीक है। फिर जब बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने जब संसद में बम फेंका, है ना, तो बम फेंकने के माध्यम से, क्योंकि वो कोई इतना अपराध नहीं था, लेकिन उनको पकड़ने के बाद ये पता चला कि इन्होंने ही सॉन्डर्स को मारा था, इसलिए सॉन्डर्स हत्या केस के माध्यम से उनको फांसी हुई थी, ठीक है, उनपे ये केस चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? एम ए जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर वी पी मैनन। देखिए ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर, बताइए कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? विभाजन परिषद, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैं जानती हूँ आप सभी लोग ए आंसर देंगे, इसलिए मैंने बोला ध्यान से देखिए कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन है। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने बी दिया एकदम करेक्ट है, हाँ माउंटबेटन सही है, जिन्होंने भी बी दिया है सही है, विनोद जी, मोहन जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब विभाजन हो रहा था उसके काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन थे, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। मैंने आप लोगों से पूछा था एक क्वेश्चन, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया उसका, ठीक है, राजगोपालाचारी ना, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, मोहम्मद इकबाल, एम ए जिन्ना, शौकत अली, या फिर आगा खान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, मोहम्मद इकबाल है इसका आंसर, मोहन जी आपका आंसर सही है, ठीक है, आगा खान नहीं है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगा खान के नेतृत्व में शिष्टमंडल गया था गवर्नर जनरल से मिलने के लिए, ठीक है, और सलीमुल्ला ने इसका मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन
का अगुआ मतलब उसका नेतृत्व सामान्यतः किससे माना जाता है, बताइए, रिपन, मेओ या फिर लिटन या फिर कर्जन? देखिए, रिपन कौन है? रिपन को प्यारा रिपन भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सारे अच्छे अच्छे काम किए, इसके जस्ट पहले लिटन आया था ना, जिसे प्रेस वनकुरा प्रेस एक्ट लाया था ना, तो ये सारे बुरे काम किसने किया था? लिटन ने किया था, फिर रिपन ने अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक है, इसलिए इसे प्यारा रिपन भी कहते हैं ना। और मेयो, या भी याद रखिएगा, 1875 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन नॉन सिंक्रोनस थी, मतलब ये अनियमित थी, ठीक है। और फिर रिपन के टाइम पे पहली बार जनगणना हुई थी 1882 में, ठीक है, ये लेकिन, और ये जो जनगणना थी वो पहली नियमित जनगणना मानी जाती है, ठीक है। पहली कौन सी है? 1875 में, ठीक है, मेयो के टाइम पे हुई थी, 1882 में ये हुई थी रिपन के टाइम पे, और ये पहली नियमित जनगणना थी, क्लियर है? हाँ। और कर्जन के टाइम पे, कर्जन की बात आप सभी लोग जानते हैं, 1905 में, ठीक है, 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया था, और कर्जन के टाइम को आयोगों का काल भी कहा जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आयोग का काल, मतलब बहुत सारे आयोग बनाया था कर्जन ने, ठीक है, इस आयोग का कार्य, आयोग का जो काल है वो गवर्नर कर्जन के टाइम को ही कहा जाता है, क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रिपन, ठीक है, स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है इसे, ठीक है। किसने सही आंसर दिया? बिल्कुल सही, सभी ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बारदोली सत्याग्रह ना, जो कि 1928 में हुआ था ना, के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी, कहाँ पर हुआ था बारदोली सत्याग्रह, कौन बता सकता है? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, है ना, ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्लियर है। और महात्मा गांधी भी थे उसमें शामिल, लेकिन मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम आता है। हाँ, बिल्कुल सही, गुजरात में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। वहां की महिलाओं की ओर से ना गांधी जी ने इनाम सुझाया था, सरदार सरदार की पदवी इन्हें दी गई थी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महिलाओं की ओर से कहा गया था सरदार, ठीक है। जिन्होंने भी सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सती प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना कोई भी चीज को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा डिजीज, कोई भी डिजीज है, जैसे टीबी, टीबी का उन्मूलन है ना, इसका लक्ष्य रखा गया है, बताइए कब तक लक्ष्य रखा गया है टीबी के उन्मूलन का? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो उन्मूलन मतलब खत्म कर देने वाली बात होती है, ठीक है। तो सती प्रथा, सती प्रथा बहुत ही एक देखा जाए तो क्रूर उस टाइम पे व्यवस्था हुआ करती थी ना, पुराने टाइम पे। हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विलियम बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास, हाँ, 1925, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? देखिए, मोतीलाल नेहरू इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में जब ये कहा गया था, मतलब मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट लाया था, ठीक है, चैलेंज था, चैलेंज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, क्या आप लोग अपना संविधान खुद बना सकते हैं? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, और उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कौन? नेहरू रिपोर्ट, और इसका विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, याद रखिएगा, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का। हाँ, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सभी के आंसर एकदम करेक्ट है, मतलब आप लोगों को पता है इसका आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनका ये विचार था, है ना, उनकी विचारधारा की यदि बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका ये मानना था कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति और जो पश्चात्य संस्कृति मतलब पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, यूरोपीय, यूरोप वगैरह, तो वहां की जो संस्कृति है और भारतीय संस्कृति, दोनों का ही मिला जुला रूप होना चाहिए ना, हमें अंग्रेजों से भी कुछ सीखना चाहिए, मतलब पश्चिमी कल्चर से भी हमें कुछ सीखना चाहिए और हमारे भारतीय कल्चर से भी, दोनों का ही मिला जुला रूप होना चाहिए, ये इनके। लेकिन इसके अपोजिट हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने कहा था कि
पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरीके से नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि भारतीय स्वदेशी की तरफ, स्वदेश की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ठीक है, स्वदेशी वस्तु को अपनाना चाहिए। और जब आपने पढ़ा होगा, स्वदेशी आंदोलन जब चलाया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर जो विदेशी कपड़े हैं उन्हें जलाया गया था। तो उस टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्टेटमेंट भी दी गई थी कि ये व्यर्थ की बर्बादी है ना, व्यर्थ की बर्बादी है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया था कि दोनों का ही मिला जुला रूप होना चाहिए हमारे भारत में, ठीक है। उन्होंने कहा था स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे कि ये व्यर्थ की बर्बादी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे जब कपड़े जलाए जा रहे थे, विदेशी कपड़े बहिष्कार किया जा रहा था वस्तुओं का, जो विदेशी वस्तु है, तो किसने कहा था कि व्यर्थ की बर्बादी है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया था, क्या नाम हो गया था इसका बाद में? हाँ बिल्कुल सही, आप सभी ने सही आंसर दिया था, सरोज जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दे दिया ना मैंने, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, बताइए। आई होप सभी लोगों को बच जाएगा आंसर। लखनऊ 1916 में, लाहौर 1929 में, त्रिपुरा 1939 में, या फिर लाहौर 1914 में, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, लाहौर अधिवेशन के नाम से ही जाना जाता है, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे ना, जो लास्ट के ये जो ईयर है, ईयर के लास्ट में होते थे, ठीक है, दिसंबर नवंबर में, ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी, क्या होगा इसका आंसर? बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर चोरा चोरी कांड, बताइए क्या होगा इसका आंसर? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि रॉलेट एक्ट आया था ना, रॉलेट एक्ट, और ये एक ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर है ना अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके लिए कोई भी अपील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी। इसीलिए इस एक्ट को, जो कि कब आया था, मार्च 1919 को आया था, ठीक है, 19 मार्च 1919 को आया था, देखिए इजी है डेट, 19 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है, और इसी का विद्रोह, इसी का विरोध चल रहा था, और रॉलेट एक्ट का एक शांतिपूर्ण है ना, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, कहाँ पर? अमृतसर के मैदान में, एक जलियांवाला बाग मैदान है अमृतसर में, वहां पर शांतिपूर्ण बैठक चल रही थी, वहां पर कोई भी ऐसा हल्ला नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसे वाद विवाद नहीं हो रहा था, बस शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग में। लेकिन क्या हुआ वहां पर 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 की। और सत्यपाल किचलू है, आपने सुना होगा इनका नाम, इनको भी गिरफ्तार कर दिया गया था ना, गिरफ्तार किया गया था, उसके विरोध में भी यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर यह हंटर कमीशन है ना, बहुत सारे अंग्रेजों की जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से बहुत ही कम लोगों की डेथ हुई थी, मारे गए थे गोली से, लेकिन जो भारतीय रिपोर्ट थी उसके माध्यम से 1000 के आसपास लोग वहां पर मर गए थे 1919, ठीक है। सभी के आंसर सही है, डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि डेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, अप्रैल की डेट है, ठीक है, ठीक है। और ये चोरा चोरी कांड क्यों हुआ था, इसके माध्यम से असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, देखिए चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था, एक सभा चल रही, एक रैली निकल रही थी, तो रैली पर क्या हुआ, पुलिस ने गोली चला दी है ना, तो जिसके माध्यम से जो भीड़ थी, भीड़ ने क्या किया, एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, ठीक है, जिसके माध्यम से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ है ना, और उन्होंने कहा था कि हमारा जो भारत है, हाँ 1922, भारत जो है वो अभी तक अहिंसा के पथ पे चलने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। और जिसे सुभाष चंद्र बोस को बहुत आघात हुआ, भगत सिंह को है ना, जिसके माध्यम से एक क्रांतिकारी दल उत्पन्न हुआ, फिर उन्होंने अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी को जेल भी हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह क्लियर है, अभी हमने पढ़ा था। खिलाफत आंदोलन के कारण ही ना लखनऊ समझौते में
खिलाफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था, याद रखिएगा ठीक है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ असहयोग आंदोलन वापस लिया था किसके बाद, चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके बाद ठीक है। कौन सा स्थान है वह जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, हाँ सही आपका आंसर शिव जी, महाराष्ट्र के पवनार से इन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था ठीक है। दूसरे कौन थे, दूसरे नेता कौन थे बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में ना, भारतीय माल को प्रोत्साहन करने के करने के लिए, या फिर लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या फिर भारत के एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण, बताइए क्यों किया गया था स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट। देखिए कलकत्ता के टाउन हॉल में ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में, टाउन हॉल में देखिए इसकी जो घोषणा है ना, स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा है वो कब हुई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी 1905 में, जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ इसकी मतलब इस आंदोलन की घोषणा हो गई थी, और जितने भी स्वदेशी को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना ही इस आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था ठीक है। महिलाओं ने इसमें बड़े पैमाने पे महिलाओं ने ना, और जो स्कूल के जो छात्र हैं और कॉलेज के जो छात्र हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर इसका मतलब इस आंदोलन में भाग लिया था ठीक है। तो इसका आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कलकत्ता, ये जो 1905 में बंगाल का जो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन है ना 1905 में स्टार्ट हुआ था, 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था याद रखिएगा ठीक है, 1906 में कलकत्ता में हुआ था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, दादा भाई नौरोजी जिसे वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या फिर लाला लाजपत राय, क्या होगा इसका आंसर बताइए। हाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सभी को पता है इसका आंसर ना, दादा भाई नौरोजी है ना, ब्रिटेन गए थे ये, ब्रिटेन में काफी लंबे समय तक इन्होंने वहां रहे थे ये, वहां पर इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी स्टार्ट किया था ना। और दादा भाई नौरोजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या बता सकता है कोई, बताइए कौन सी बुक है। ये उदारवादी नेता थे ठीक है, और इन्होंने ही यदि बात करें उदारवादी नेताओं की क्या क्या सफलता रही है, तो सफलता यही हम बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये बताया था कि किस तरह से ना भारत जो अंग्रेज है वो हमारे भारत को लूट रहे हैं ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ उदारवादी नेता थे, उदारवादी मतलब संवैधानिक दायरे में रहते हुए ना अंग्रेजों से मांग करना, और कैसी मांग कर रहे थे वे लोग, स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे या फिर स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग ये मांग कर रहे थे कि आपके जो मतलब उस टाइम पे जो केंद्रीय विधानसभा है, विधान परिषद, उसमें भारतीयों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें, इसकी मांग हो रही थी। हाँ पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिल्कुल सही, हाँ सही भारती जी, गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, क्या होगा इसका आंसर। लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कार्नवालिस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन का वह गवर्नर जनरल कौन है ब्रिटिश का जिसने भारत में डाक शुरू किया था, डाक व्यवस्था स्टार्ट करने वाला गवर्नर जनरल कौन है बताइए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही।
जो ट्रेन है ना, जो सबसे पहली बार चलाई गई थी, बताइए कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, वो भी इसी के टाइम पे ना, डाक व्यवस्था, हड़प नीति, और क्या बताया मैंने आप लोगों को, ट्रेन है ना, पहली बार ट्रेन चलाई गई थी इनके इनके टाइम पे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन चलाई गई थी, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी, हाँ, ठाणे से बंबई। ठीक है, 16 अप्रैल को ना, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी पहली बार ट्रेन। हाँ ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1853 है इसका आंसर भी। देखिए ट्रेन और टेलीग्राफ दोनों ही 53 53 याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई भी बस्ती नहीं बनाई थी, बताइए। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या फिर डेनिस। पूर्वी भाग मतलब ये जहाँ कोरोमंडल वाला एरिया वहां पर है ना, तो कौन सा कौन थे वो, ये था डेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस जो डेनमार्क से आए थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था, सन 1900। देखिए घूम घूम के क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न चेंज करके, हाँ वही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या जाएगा, लाहौर कांग्रेस ना, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजेस के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग को इसके पहले ही बताया था, लॉर्ड मैकाले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इन्होंने 1835 में ही ना आईपीसी की द्वारा धारा जो स्टार्ट हुई थी वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक इनसे ही पूछा गया था, लॉर्ड मैकाले से, कि भारतीयों में जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, 1835 को, ठीक है याद रखिएगा। आईपीसी सेक्शन कब का है बताइए, कोई बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम ए जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे, या फिर एक सांप्रदायिक संप्रदायवादी थे, बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप सभी लोगों ने इसका आंसर गलत दे रहे हैं। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में ना, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन लिखा गया है, पाकिस्तान की मांग बाद में आई है, किसी का भी एकदम सही आंसर नहीं आया है अभी, किसी का भी आंसर सही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, शिवजी सरोज जी आप सभी का आंसर सही है दोनों का ही। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे ये पहले, ठीक है, जिन्ना जो है अपने स्टार्टिंग टाइम पे, हालांकि वो बाद में इन्होंने पाकिस्तान की मांग स्टार्ट कर दी और अंत तक ये एक ही चीज पे डटे रहे कि पाकिस्तान को अलग करना है, मतलब एक अलग राष्ट्र बनाना है। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में क्या हुआ था, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही एकता के प्रस्तावक रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है गणेश जी, सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था, पश्चिमी है ना, बात करते हैं ये जिसे हम बात प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं, तो ये वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकांश भाग किसके नियंत्रण में था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, बताइए। आई होप आप लोग इसका सही आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि गोवा है ना, और यहाँ पर कौन कौन से दमन और दीव, ये सब किसके अंडर थे, पुर्तगाली के टाइम पे। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए हैं, ठीक है याद रखिएगा। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमने गोवा को भी मुक्त किया है ना पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों और उनके उपनामों के नाम से आपको मिलान करना है, तो बताइए कौन क्या किसे किस नाम से जाना जाता है। एक साइड दिया गया है जयप्रकाश नारायण, सी एफ एंड्रयूज, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, और दूसरी साइड दिया है उनके उपनाम ना, दीन बंधु मित्र, या फिर दीन बंधु, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन,
ऑफ इंडिया, लोकनायक, पंजाब केसरी या फिर राजा जी? ये आपके सामने ऑप्शन भी है, बताइए क्या कौन कौन क्या क्या कहलाएगा। ध्यान से दीजिएगा इसके आंसर, स्क्रीन में शो तो हो रहा है ना। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, ठीक है, मतलब ए का 3 होगा, ठीक है, और बी का ए होगा, मतलब ये सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहते हैं, ठीक है। ये एक ही, जब एक ही मिल गया है तो आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं, ठीक है। देखिए, पंजाब से एक क्रांतिकारी दौर का टाइम आता है, क्रांतिकारी दौर, ठीक है, क्रांतिकारी दौर का टाइम आता है जो कि 1918 तक चलता है ना, 1905 के बाद से देखा जाए तो 1918 तक ना ये क्रांतिकारी दौर चलता है। तो इसका जो नेतृत्व है अलग अलग भारत में भी अलग अलग जगह से किया था, जैसे पंजाब, पंजाब से किसने किया था? लाला लाजपत राय, है ना। और किसने किया था? उनके साथ एक और थे, अजीत सिंह थे, ठीक है। तो अजीत सिंह कौन थे? ये भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों ने पंजाब से क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया था, ठीक है। और महाराष्ट्र से तिलक थे, ठीक है। और उसके बाद वीर सावरकर, ये सब भी आए थे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, सही है, 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया तब, या फिर 1940 में लाहौर अधिवेशन में, कब किया था? हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में किया था, ठीक है, अलग मुस्लिम राज्य। देखिए, स्टार्टिंग से ही ये बात चल रही थी कि एक पृथक राज्य होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो शब्द है ना वो बाद में आया था, रहमतुल्लाह के नाम के द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है, पाकिस्तान। नाम क्या होगा ये पता नहीं था, बस बोल रहे थे कि अलग एक राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र का नाम पाकिस्तान जो शब्द है बाद में दिया गया था, ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके उनके द्वारा ये नाम दिया गया था, रहमतुल्लाह, ठीक है, अभी किसी एग्जाम में आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? सही है, प्रथम अधिवेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1885 को बंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बताइए। देखिए, आर्य समाज है ना, आर्य समाज बंबई में ये बना था, आर्य समाज, इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ठीक है, हाँ, सभी का आंसर सही है, दयानंद सरस्वती, बंबई में 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, बंबई में। तो दयानंद सरस्वती का ये मानना था, देखिए, हमारे भारत में पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा था ना, और जो हमारी भारतीय पुरानी संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं धूमिल सी हो रही थी, उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा था ना, और उसे कमतर आका जा रहा था, हमारी भारतीय संस्कृति है ना उसे कमतर आका जा रहा था, कहाँ से? पश्चिमी जो संस्कृति है उससे। तो फिर दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही ये कहा गया था कि वेद है ना, वेदों की ओर लौटो ना, इनके द्वारा ही कहा गया था, और भारत भारतीयों के लिए है ये भी इनके द्वारा ही बोला गया था, और सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किसने किया था? वो भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। पुराण को ये फॉलो नहीं करते थे, मानते नहीं थे, लेकिन वेदों को मानते थे ये, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, या फिर पूना सार्वजनिक सभा? देखिए, इनके द्वारा क्या, एक दर्जन से अधिक लैंग्वेजेज जानते थे, ठीक है, और राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा ही सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने
की थी। इसके बाद फिर आ गए थे कौन, इसके बाद कौन आया था बताइए, ब्रह्म समाज, जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी ना इंग्लैंड में, तो फिर इसके बाद कौन आया था इसका नेतृत्व संभालने के लिए, फिर उसके बाद केशव आए थे ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड बेविल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। फिर इसे हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने हटाया था, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर दीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा बंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर इसे स्टार्ट किसने किया था, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर महादेव गोविंद रानाडे या फिर महात्मा गांधी, किसको याद किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, हाँ सही आप सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक कौन है, सही है, क्या होगा इसका आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में पेश किया गया था बताइए, इल्बर्ट बिल, ये देखा जाए तो भारतीयों के लिए अच्छा बिल था, क्योंकि इसमें क्या बोला गया था कि जो भारतीय अंग्रेजों के ऊपर जो मुकदमा चलाया जाता है ना, उसको भर जो भारतीय वकील है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, भारतीय जो जज है वो भी इसमें देख सकते हैं, तो इसका विरोध किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, तो कौन है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए अच्छे अच्छे काम किसने किया था, याद रखिए रिपन ने, जहां अच्छे काम आपको देखने मिलेंगे रिपन लगा दीजिएगा आप लोग, और बुरे काम किसने किया था, लिटन ने किया था, इसने सिविल सर्विसेज की आयु को भी कम कर दिया था लिटन ने, और उसको वापस से बढ़ाया किसने था, रिपन ने किया था, ठीक है, इसका आंसर रिपन हो जाएगा, अच्छे काम के लिए जाना जाता है रिपन ना, रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ठीक है, जैसे केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे राज्य सरकार, स्थानीय सरकार स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार, जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था जिसके माध्यम से स्थानीय सरकार का गठन किया गया था, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, क्लियर आप सभी को, कहीं कोई डाउट, क्या आप सभी को समझ में आ गया, ये सारे क्वेश्चंस थे, तो कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप लोगों को बने, कोई डाउट, आप लोग एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सभी लोगों को इसके आंसर बने, कितने मार्क्स आए, आप लोगों ने मार्क्स काउंट किए क्या, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, जय हिंद सभी को।